हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 20th of September। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द होयसला टेम्पल्स इन कर्नाटका हैव बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दिस हेरिटेज साइट इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है, कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कि भारत के जो भी धरोहर हैं उनमें से ये कौन से नंबर की धरोहर है। आपके ऑप्शंस हैं 37th, 39th, 40th या फिर 42nd। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये 42nd नंबर की हेरिटेज साइट है भारत की। तो इसके बारे में यहाँ देखते हैं, द फेम्ड होयसला टेम्पल्स इन कर्नाटका हैव बीन एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट एंड दिस इंक्लूजन मार्क्स द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। द सेक्रेट एंड सिम्बल्स ऑफ द होयसल्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द 12th एंड 13th सेंचुरीज आर रिप्रेजेंटेड हियर बाई द 3 कंपोनेंट्स, जिनमें शामिल हैं बेलूर, हेलबिट और सोमनाथपुरा। All these three Hoysala temples are already protected monuments of the Archaeological Survey of India. आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं Hoysala temples को, जो कि कर्नाटका में स्थित है। अभी हाल ही में शांति निकेतन को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries with India had meeting on defense science and industry and cooperation recently? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ रक्षा, विज्ञान और उद्योग सहयोग पर बैठक की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडोनेशिया, फ्रांस, मलेशिया या नेपाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये बैठक हुई है भारत और मलेशिया देश के मध्य। सो द 10th मीटिंग ऑफ इंडिया मलेशिया ज्वाइंट सब कमेटी ऑन डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री कोऑपरेशन वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड ड्यूरिंग द मीटिंग द एग्जिस्टिंग डिफेंस कोऑपरेशन बिटवीन टू कंट्रीज वॉज रिव्यूड एंड वाइड रेंजिंग डिस्कशंस वर हेल्ड ऑन द इशूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, 10th इंडिया मलेशिया जो मीटिंग हुई है डिफेंस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री कोऑपरेशन को लेके, उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वावलंबन 2023 इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है, स्वावलंबन 2023 जो हाल ही में खबरों में रहा था, ये किस से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। स्वावलंबन संबंधित है इंडियन नेवी से। सो यहाँ आप देख सकते हैं, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन 2023 इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड ऑन 4th and 5th October दिस ईयर। और इसका एम है टू गिव अ बूस्ट टू द यूजेज ऑफ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी इन द इंडियन नेवी एंड द नेवी इज कमिटेड टू डू दिस। इसके साथ ही नेवी कमिटेड है डेवलप करने के लिए एटलीस्ट 75 टेक्नोलॉजीज और प्रोडक्ट्स एज द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आप ध्यान रखेंगे, स्वावलंबन संबंधित है इंडियन नेवी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री टेक्स द लीड एज द टॉप प्रोक्योरर ऑन द जिम पोर्टल एज ऑन सितंबर 2023। आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सितंबर 2023 तक जिम पोर्टल पर शीर्ष खरीदकर्ता के रूप में अग्रणी स्थान पर है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कोल या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। आपसे शीर्ष खरीदकर्ता जो मंत्रालय है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। टॉप प्रोक्योरर जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। यहाँ आप देख सकते हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज इंश्योरिंग कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, टाइमली डिसीजन मेकिंग एंड फास्ट प्लानिंग टू अचीव एम्बिशियस गोल ऑफ कोल प्रोडक्शन ऑफ अबव 1 बिलियन टन दिस ईयर. And the Ministry of Coal takes the lead as the top procurer on the government's e-marketplace procurement through GeM reaches over 23,798 crore in the current financial year. बढ़ते हैं next question की ओर. Which of the following recognized as the prestigious brand of India in the Global Fest Conclave 2023? आपसे पूछा जा रहा है गोल फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 में निम्नलिखित में से किस संस्था को भारत की प्रतिष्ठित ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है. आपके ऑप्शन है TCS, रिलायंस, L&T फाइनेंस या फिर नन ऑफ दीज. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. L&T फाइनेंस को गोल फेस्ट कॉन्क्लेव में मोस्ट प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ इंडिया से सम्मानित किया गया है. तो यहाँ आप देख सकते हैं L&T फाइनेंस, जिसका फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस, आर लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द प्रेस्टिजियस ब्रांड ऑफ इंडिया इन द गोल्ड फेस्ट कॉन्क्लेव 2023 एंड द अवार्ड रिकॉग्नाइज्ड द कंपनीज फोकस्ड एंड टारगेटेड ब्रांड कैंपेन्स रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क्स इन द NBFC स्पेस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. India's first dedicated OPD for transgender has been opened in which of the following hospitals? आपसे पूछा जा रहा है ट्रांसजेंडर के लिए समर्पित भारत की पहली OPD निम्नलिखित में से किस अस्पताल में खोली गई है. आपके ऑप्शन हैं सफदरजंग हॉस्पिटल, कैलाश दीपक हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल या फिर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में स्थित है, इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली OPD अस्पताल खोली गई है. सो यहाँ देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड OPD फॉर ट्रांसजेंडर्स हैज़ बीन ओपेंड इन द दिल्लीज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल एंड इट विल प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज. A dedicated restroom facility will also be provided to transgender patients within the hospital premises. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. The Union Cabinet approved a bill to provide reservations for women in parliament and state assemblies. So which of the following statement related to this is incorrect? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है. उससे संबंधित कुछ कथन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है. फर्स्ट स्टेटमेंट है द बिल ग्रांट अ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. सेकेंड, एट प्रेजेंट वुमेन MPs कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 15% ऑफ द लोकसभा सीट्स. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी. यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अ बिल ग्रांटिंग 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज एंड द बिल इज एक्सपेक्टेड टू बी टेबल्ड ड्यूरिंग द ऑन गोइंग स्पेशल सेशन. इसके साथ ही जो डाटा रिवील हुए हैं उनके अनुसार एट प्रेजेंट वुमेन MPs कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 15% ऑफ द लोकसभा. वुमेन रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन ऐसे राज्यों में जहाँ पे उनकी जो भागीदारी है वो 10% से भी कम है, ऐसे राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और केरला. इसके साथ ही कुछ स्टेट असेंबलीज ऐसी हैं जहाँ पर 10% से अधिक उनकी भागीदारी है पर बहुत अधिक नहीं है, मतलब 10-12% की भागीदारी मानी जाती है. ऐसे राज्य हैं बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही दिल्ली. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.